एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुनवाई, सीबीआई के विशेष जज अयोध्या कोर्ट में ये गवाही होने वाले हैं। सीबीआई के विशेष जज अयोध्या कोर्ट में ये गवाही होने वाले हैं और कोर्ट ने 6 संतों को इस बाबत तलब किया है। सीआरपीसी 313 के तहत गवाही के लिए तलब किया गया है। अनुभव हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ा हुआ मामला हमने देखा, राम मंदिर से जुड़ा हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, लेकिन क्या ये वही मामला है या उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा मामला है? देखिए, ये लंबे समय से मामला चल रहा है बाबरी विध्वंस को लेकर, और इसमें कई सारे लोगों पर आरोप लगाया गया था कि सारी कॉन्स्पिरेसी उन्हीं लोगों ने रची है और उन्हीं की वजह से वो जो विध्वंस हुआ वो उस वक्त हुआ था। और लखनऊ में सीबीआई की एक विशेष अदालत में पूरा मामला चल रहा है, जिसमें समय समय पर लोगों को गवाही के लिए, पेशी के लिए बुलाया जाता है। कुछ समय पहले कल्याण सिंह को भी उसमें बुलाया गया था, क्योंकि जब ये मामला शुरू हुआ, अगर हम बताएं, तब उसके बाद वो राज्यपाल बन गए थे, संवैधानिक पद पर थे, उनको छूट मिली हुई थी। तब जब वो राज्यपाल के पद से हटे तो पिछले साल वो पेश हुए थे और उन पर भी कोर्ट ने कहा था कि चार्जेस बनते हैं, उसी के आधार पर अब गवाहियां हो रही हैं। आज कई सारे जो संत हैं, रामविलास वेदांती हैं, मान धरमदास हैं, इन सारे लोगों को पेशी के लिए बुलाया है, इनकी गवाही होनी है, और जो लखनऊ में ये विशेष अदालत है सीबीआई की, वहां पर ये पेशी होनी है। जी अनुभव, आप नजर बनाए रखिए, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आज ये पेशी होनी है, तो सीबीआई की विशेष जो कोर्ट है उसमें सुनवाई होगी और संत इसमें मौजूद रहेंगे। ये गवाही होने वाली है और कोर्ट ने 6 संतों को इस बाबत तलब किया है। सीआरपीसी 313 के तहत गवाही के लिए तलब किया गया है। अनुभव हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ा हुआ मामला हमने देखा, राम मंदिर से जुड़ा हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, लेकिन क्या ये वही मामला है या उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा मामला है? देखिए, ये लंबे समय से मामला चल रहा है बाबरी विध्वंस को लेकर, और इसमें कई सारे लोगों पर आरोप लगाया गया था कि सारी कॉन्स्पिरेसी उन्हीं लोगों ने रची है और उन्हीं की वजह से वो जो विध्वंस हुआ वो उस वक्त हुआ था। और लखनऊ में सीबीआई की एक विशेष अदालत में पूरा मामला चल रहा है, जिसमें समय समय पर लोगों को गवाही के लिए, पेशी के लिए बुलाया जाता है। कुछ समय पहले कल्याण सिंह को भी उसमें बुलाया गया था, क्योंकि जब ये मामला शुरू हुआ, अगर हम बताएं, तब उसके बाद वो राज्यपाल बन गए थे, संवैधानिक पद पर थे, उनको छूट मिली हुई थी। तब जब वो राज्यपाल के पद से हटे तो पिछले साल वो पेश हुए थे और उन पर भी कोर्ट ने कहा था कि चार्जेस बनते हैं, उसी के आधार पर अब गवाहियां हो रही हैं। आज कई सारे जो संत हैं, रामविलास वेदांती हैं, मान धरमदास हैं, इन सारे लोगों को पेशी के लिए बुलाया है, इनकी गवाही होनी है, और जो लखनऊ में ये विशेष अदालत है सीबीआई की, वहां पर ये पेशी होनी है। जी अनुभव, आप नजर बनाए रखिए, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आज ये पेशी होनी है, तो सीबीआई की विशेष जो कोर्ट है उसमें सुनवाई होगी और संत इसमें मौजूद रहेंगे।